इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड से निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया, कहा कि सीएम सोरेन की बैठक में 35 विधायक ही पहुंच पाए। निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया है कि जो बैठक हुई उसमें कल्पना सोरेन के नाम पर सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने अपना विरोध व्यक्त किया है, यानी विधायक दल की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक दावा किया कि सीएम सोरेन शायद ईडी की पूछताछ में शामिल हो। तो ये डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए दावा किया है, बड़े दावे कर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा था। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली स्थित सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। हेमंत सोरेन को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसे में उनके घर पर यानी कि सीएम आवास पर दिल्ली स्थित कुछ नहीं मिला। बीएमडब्ल्यू कार को अपने साथ टीम ले गई थी और कुछ कैश भी बरामद किया गया था। आज का समय दिया गया है जब आज ईडी के सामने हेमंत सोरेन को पेश होना है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री सोरेन आगे क्या करने वाले हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा अटकलें लगती रही। आज ईडी की टीम सीएम सोरेन से फिर पूछताछ करने वाली है। मौजूदा हालात में कयास है कि उनकी गिरफ्तारी तक के आसार यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। 11 लाख तक खर्चा करूंगा। जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। हेमंत सोरेन का यह बयान झारखंड की सियासत के नए सियासी संग्राम का बड़ा संकेत है। पहले मंत्रियों और विधायकों के साथ सीएम की बैठक और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीरें राजनीतिक हलचल की गवाही दे रही हैं। ईडी का समन और पूछताछ के बीच संकट हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी गहरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि हेमंत सोरेन कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा, हेमंत जेल गए तो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच नए सीएम को लेकर के भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। रांची में राजनीति गर्म है। ईडी के सवालों का सामना करने से पहले हेमंत सोरेन के सामने सियासी संकट में हैं। ऐसे में सवाल सत्ता का है, सवाल सरकार का है और सवाल नए सीएम का भी है। हेमंत पर गिरफ्तारी की तलवार है और खतरे में सरकार है, इसलिए नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम रेस में सबसे आगे है। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सबसे पहले बीजेपी की ओर से कही गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। हेमंत सोरेन ने अपने यानी जेएमएम और कांग्रेस के साथ दूसरे सहयोगी विधायकों को रांची सामान और बैग के साथ बुलाया है। जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। निशिकांत दुबे का दावा भले ही एक विपक्ष के सांसद के तौर पर राजनीतिक कहा जा सकता है, लेकिन रांची से जो संकेत मिले वो काफी अहम है। पहले ये तस्वीरें देखिए जो रांची में सीएम सोरेन की बैठक की है, जिसमें विधायक और मंत्री मौजूद हैं। बैठक होना आम बात जरूर है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें कल्पना सोरेन भी बैठी हैं। कल्पना सोरेन का इस बैठक में होना उस दावे को पुख्ता कर रहा है जिसमें सियासी संकट का समाधान खोजा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने के तीन बड़े संकेत। पहला संकेत है विधायक न होने के बावजूद कल्पना सोरेन का विधायकों की बैठक में मौजूद रहना। दूसरा संकेत हेमंत सोरेन के बयान है जिसमें वो था, हूँ और रहूंगा जैसे दावे कर रहे हैं। तीसरा संकेत है दिसंबर 2023 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। अटकलें हैं कि कल्पना सोरेन के लिए ही सीट खाली कराई गई। शिबू सोरेन के राजनीतिक विरासत को हेमंत सोरेन ने बखूबी आगे बढ़ाया, लेकिन भ्रष्टाचार में घिरने के बाद सोरेन परिवार के राजनीतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर सियासी संकट गहरा गया है। मौजूदा परिस्थिति में परिवार के किसी बाहर
के विधायक पर भरोसा किया जाए या न किया जाए, इसको लेकर के हेमंत सोरेन उलझन में हैं और इसी के कारण सबसे सलाह मशविरा कर रहे हैं ताकि इसका समाधान निकल सके। आगे क्या होगा ये अभी तय नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन को शायद आने वाले संकट का एहसास हो चुका है, इसीलिए कल्पना सोरेन के सहारे वो सत्ता की चाबी अपने पास ही रखना चाहते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है। 2006 में हेमंत सोरेन के साथ शादी हुई। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले की है। रांची से ग्रेजुएशन किया। कल्पना एक प्ले स्कूल भी चलाती है। सक्रिय राजनीति में अब तक नहीं दिखी है, हालांकि आदिवासी समाज के हक की आवाज उठाती रही है। उनके पास करीब 4,87,00,000 की संपत्ति है। कल्पना का राजनीति में दिलचस्पी ना रखना सीएम बनने की राह में बड़ी रुकावट हो सकता है। हालांकि कल्पना सोरेन को कमान सौंपने की अटकलों को जीएमएम की ओर से फिलहाल कल्पना ही बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी राष्ट्रपति शासन की वकालत कर रही है। एक अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। राजनीति में कल्पना आएंगी या नहीं इसे लेकर भले ही अटकलें हों, लेकिन राजनीति में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, ये तो तय है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का है। 1997 में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी। इसके बावजूद वो 3 बार बिहार की सीएम बनी। राबड़ी देवी के जरिए लालू ने बिहार में सत्ता चलाई। ऐसे में पड़ोसी झारखंड भी इसी राह पर चल सकता है। इससे फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और झारखंड की राजनीति गर्म है। अब लापता थे तो कहां भाग गए थे, बताना चाहिए ना। अरे जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस से डरता हो, सीबीआई से डरता हो, ईडी से डरता हो, अफसर से डरता हो, तो अफसरों से काम वो कैसे करा सकते हैं। तो ऐसे डरपोक अगर कोई मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे रहेंगे तब तो इस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए आप इनको तो हटना ही चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो उनके पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई इनको हटाओ यहां से। केन केन प्रकारन ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। सियासी सवाल और सियासी बयानबाजी अभी थमने वाली नहीं है, साथ ही सोरेन का संकट भी कम नहीं हो रहा। दावा किया जा रहा है कि सोरेन के दिल्ली वाले घर से 36,00,000 रुपए कैश और बीएमडब्ल्यू कार मिली है। इसे लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा और झारखंड की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या हेमंत सोरेन अगर सलाखों के पीछे गए तो सीएम की कुर्सी कल्पना सोरेन को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।